इसका भी मैटर हो, जमीन जिस पे घर बनाए वो जमीन इनकी है, ये आप मान रहे हैं ना? मैं मान रहा हूँ क्योंकि कागज है ना जी, आप लेखपाल हैं, मालिक नहीं हमें, ठीक है। जब जमीन इसकी है, ये उदारता दिखा रहे हैं, किसी और ने अपना मकान बना लिया, आप बाकी की जमीन भी हड़प पाने में मदद करें तो गड़बड़ होगी साहब। ये आदमी उदारता कर रहा है, अपनी जमीन पे किसी और व्यक्ति को घर बनाने दे रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे? आधे घंटे में खाली करा भैया, वरना उस जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। अमेठी का सियासी पारा इस समय बहुत हाई चल रहा है। वजह है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी भी अपने संसदीय क्षेत्र में जनसंवाद यात्रा कर रही है। इस बीच स्मृति ईरानी के जनसंवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्मृति ईरानी एक शख्स की समस्याओं को लेकर लेखपाल की क्लास लगाती नजर आ रही हैं। दरअसल सोमवार को स्मृति ईरानी टीकर माफी पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने यहां के लोगों की समस्याओं को सुना, तभी एक शख्स अपनी जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर उनके पास पहुंचा। शख्स ने बताया कि वो जमीन को नक्शे के हिसाब से लेना चाहता है, लेकिन लेखपाल ने उनकी जमीन पर किसी और का कब्जा करवा रखा है। इतना ही नहीं, शख्स ने बताया कि मेरे विरोध जताने पर कहते हैं कि जाओ जहां मन करे वहां शिकायत करो। फिर क्या था, स्मृति ईरानी एक्शन में आई और तुरंत लेखपाल की क्लास लगा दी और न्याय दिलाया। ईरानी ने सबके सामने फटकार लगाते हुए लेखपाल को आधे घंटे में जमीन का कब्जा खाली करवाने का निर्देश दे दिया और कहा, आधे घंटे में जमीन खाली करवा दो वरना मैं वहां आकर बैठ जाऊंगी। साथ ही साथ, आप सिर्फ लेखपाल हो और मैं सिर्फ सांसद हूँ, हम जनता के नौकर हैं, अमेठी के मालिक नहीं है। इसके अलावा क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। उनकी जमीन पे किसी और का कब्जा क्यों करवा रहे हैं आप? उनकी जमीन वो मैम नवीन पति ग्राम सभा है। अरे उनकी जमीन है ना, जिसमें घर है, घर पे तो हाँ मैम, घर तोड़ना है क्या? नहीं मैम, घर आप ये बोल रहे हैं मैम, इनका खरीदा का मैटर था भाई, किसका भी मैटर हो, जमीन जिस पे घर बना है वो जमीन इनकी है, ये आप मान रहे हैं ना? मैं मान रहा हूँ क्योंकि कागज है ना जी, आप लेखपाल हैं, मालिक नहीं हमें, ठीक है, पक्का ना? तो जब जमीन इसकी है, ये उदारता दिखा रहे हैं, किसी और ने अपना मकान बना लिया, आप बाकी की जमीन भी हड़प पाने में मदद करें तो गड़बड़ होगी साहब। खाली कराइए अभी आधे घंटे में, वरना इनको इनका जमीन का पूरा हक दिलवाइए और घर तोड़िए, फिर वो मंजूर है आपको? ये आदमी उदारता कर रहा है, अपनी जमीन पे किसी और व्यक्ति को घर बनाने दे रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे? आधे घंटे में खाली करा भैया, वरना उस जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। क्या नाम है बेटा? सिर्फ लेखपाल, मैं सिर्फ सांसद, ठेकेदार नहीं हूँ। आज नौकरी है, कल ये सारी चिल्लाट होगी ना जनता से, नहीं रहेगी। हम नौकर हैं, लोग मालिक नहीं है। अगली बार धौंस ना जमाना गरीब, आधे घंटे में खाली। एक और राहुल गांधी की न्याय यात्रा के जरिए अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के प्रयास में है, वहीं दूसरी ओर स्मृति ईरानी भी जनसंवाद यात्रा के जरिए अपने क्षेत्र से अपना संबंध मजबूत करने के प्रयास कर रही हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को करारी मात दी थी। गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी को बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया।